प्राकृतिक सौंदर्य भरा शिमिलीपाल अभयारण्य पर्यटक को आकृष्ट करुछि बरेहीपाणी वाटरफॉल आउ सेल्फी नेबारे व्यस्त पर्यटक मयूरभंज जिलार शिमिलीपाल अभयारण्य 2750 वर्ग किलोमीटर परिमित यह अभयारण्य रही बरेहीपाणी जोरंदा उषके असुर काल भि वाटरफॉल विशेषकर शीत दिन आरंभ हो जाए पर्यटकों सुअ छुटार लगी चहलें शह शह हरिण मान चलप्रचल कर मनोलोभ दृश्य देखा भिड़ जमाइले लोके प्राकृतिक परेश पर्यटकों बे आकृष्ट करवल जे ओडा नुहे ओडा बाहर पर्यटक एठाक आसी था तेरे एभली एक शांत परेश समय कटाइवा एक निरा अनुभूति पर्यटक अन्यपटे हाथी पीठी बस बुलवार मजा मिल पार ना बेले हाथी मान शिमिलीपाल फेर को पर्यटक मैंने अनुरोध कर बहुत ही खूबसूरत है, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर। शिमिलीपाल आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ का नेचर बहुत ही अच्छा है। हम लोगों के यहाँ पर जो कोरोना परिस्थिति अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर वो सब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है और कुछ फीलिंग्स भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कुछ है। नेचर सब कुछ फ्रेश कर दिया यहाँ पर, बहुत अधिक एंजॉय कलु। आम पूरा शिमिलीपाल एंटायर अलमोस्ट देखी सारे, वाटरफॉल गुड़ा बहुत अधिक नॉस्टैल्जिया मैंने फिल बढ़िया फिलिंग्स एंड एवं भी आम अच्छे वाटरफॉल सामने एंड बहुत बढ़िया फिलिंग आसे छोटिया ब्रेक गोटे निरा एक्सपीरियंस बहुत सारा जिनस जाणी देखिक बहुत खुशी लगुच। प्रत्येक वर्ष नवेम्बर एक तारीख रु शिमिलीपाल अभयारण्य खोली थाए आई प्राकृतिक सौंदर्यर भरपूर मजा नहीं था लोके शिमिलीपाल रही रात्रि जापनर व्यवस्था पाई विभिन्न प्रकार खेलकूद सहित साइकिल रे भ्रमण व्यवस्था रही तेज पर्यटकों पर शौचालय व्यवस्था हो पारे आहरी सुविधा हो पारता मत प्रकाश पाई से बरेहीपाणी जोरंदा को रोपवे हेले पर्यटकों भिड़ जमीवा सह भरपूर उपभोग करते पर्यटक जोरंदा और बरेहीपाल दुटा वाटरफॉल देख लु बहुत भल लगे कि एक्चुअली आम फिल कर मानने कर दि जाता रोपवे ताहले बहुत शीघ्र मानने देखिपारे लोक आगे पाखक जापारे आगे बेटर हाँ भल लगता बहुत खुशी लगुच बहुत एक्साइटमेंट अच्छी कोविड रे कड़े बुलाबूली करूँ एवं आम मेडिकल कॉलेज सेमिस्टर भी सरला तेनालीर गोटे चिल कर बहुत ही भल जगह तेनाली बहुत खुशी लगुच एठाकर मनोलोभा दृश्य पर्यटक को आकृष्ट करुले किसी व्यवस्था कर आवश्यकता रही तेज आगामी दिन में शिमिलीपाल अभयारण्य पर्यटकों पर कौन कौन सुविधा करा देखा बाकी रहा। मयूरभंज करंजियारू बिंदुसार दासों रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।